अपने देश से अपनी माटी से प्यार करने का जज्बा अजीब होता है। इंसान अपने देश अपनी माटी के लिए जान देने जान लेने की बात करते हैं और इतिहास में अमर हो जाते हैं। आपने ऐसी कहानी खूब पढ़ी होगी और देखी भी होगी, लेकिन आज जो हम आपको बताने या दिखाने जा रहे हैं उसे देख या सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध में कभी समझौता तो कभी समझौते को तोड़ने वाली बात सामने आ रही है। विवादित नागोर्नो करबख क्षेत्र में 27 सितंबर को शुरू हुई इस लड़ाई में अब तक 73 नागरिकों समेत कम से कम 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका दोनों पक्षों से युद्ध विराम का पालन करने की अपील कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस ने कहा है कि व्यस्त सड़कें भी मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। इससे पहले अजरबैजान और आर्मेनिया सैनिकों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया था। युद्ध विराम के बावजूद कई क्षेत्रों में भारी गोलाबारी चल रही है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री की पत्नी अन्ना हकोबियान इस युद्ध में उतर चुकी हैं। खबरों की माने तो दुश्मन को धूल चटाने के लिए अन्ना उन 13 महिला ब्रिगेड में शामिल है जो नागोर्नो काराबाख को बचाने के लिए लड़ाई में शामिल है। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब अन्ना का बंदूक चलाते फोटो सोशल मीडिया पर तैरने लगा और लोग उनकी इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पर लोग अन्ना के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी माटी के लिए इस तरह का उदाहरण पेश करना एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसके साथ ही साथ आर्मेनिया के कई और सांसद भी इस जंग के मैदान में उतर चुके हैं। इसी बीच इस युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस चिंतित हैं और अमेरिका की पहल पर समझौता हो भी गया था, लेकिन फिर जंग शुरू हो गई। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और समझौता होता है या नहीं, लेकिन फिलहाल तो अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ कई देश खड़े हो गए हैं और सभी के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन कोई शांति की बात नहीं कर रहा है।